हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज बात करने वाला हूँ आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 3 एंड आपके 10th क्लास के मैथमेटिक्स सीएसएससी महाराष्ट्र बोर्ड का लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है, 4 है। लेक्चर नंबर 3 इस टॉपिक है। लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट की बात किया था। प्लेलिस्ट आपको जैसे कि पता होगा बना दिया या क्लास 10th मैथ्स ऑन करके मेंशन कर दिया हूँ। अदर किसी बोर्ड के बच्चे अगर ये टॉपिक देख रहे हैं तो उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि जहाँ भी जिस भी बोर्ड के सिलेबस में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया है वहाँ पे इसी टाइप के सम आपको देखेंगे, क्योंकि मैथ्स ऑन में नंबर्स तो डिफरेंट करेंगे। मेन आपका मेथड है, मेथड क्लियर होना चाहिए। चलिए बात करेंगे, सीधा टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है सर, 4 है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एकदम बेसिक लेवल था, इसीलिए थोड़ा सा उसमें टाइम दिया मैंने, प्रॉपर स्टार्टिंग से बेसिक कॉन्सेप्ट करा कर दिया है। बट जो बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को करना है, कॉन्सेप्ट करना है, तो सिंपल सा ये 3 स्टेप फॉलो करो, बाकी टॉपिक में कुछ नहीं है। सर ये स्टेप्स क्या है, पहला है बोलता है इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर, बोलते हैं वेरिएबल को इस तरफ रख दो LHS साइड एंड कॉन्स्टेंट को हमारे RHS साइड रख दो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपके वेरिएबल होंगे। सर वेरिएबल क्या होते हैं, ए बी सी डी आप पढ़ते हो, ये से लेके जेड तक जो भी आपका यूज होगा, दो वेरिएबल होंगे, ए बी ऐड होगा, पी क्यू ऐड होगा, एक्स वाई, मतलब साथ में दिखेंगे तभी तो दो इक्वेशन बनेगा अपना, क्लियर। एन इक्वल टू सी, सी मतलब कॉन्स्टेंट, जो नंबर रहेगा आपका बराबर के इस तरफ दिखेगा, इक्वल टू के दूसरे तरफ दिखेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया तो इसी टाइम ये भी कर दो, समझ में आ गया तो। पहला स्टेप देखो, यहाँ पे रूल लग रहा है क्या, एक्स प्लस 7y इक्वल टू 10। सर आपने बोला था एक्स वाई इक्वल टू को इस तरफ दिखना चाहिए एंड कॉन्स्टेंट दूसरी तरफ, सर दिख रहा है तो इक्वेशन नंबर 1 लिख दो, क्लियर। सेकेंड में देखो एक्स वाई इस तरफ दिख रहा है, 7 उधर दिख रहा है, सर ये चीज तो ईजी लगा, पहला कॉन्सेप्ट सर सिंपल लगा कि अपना एक्स वाई जो भी वेरिएबल रहेगा इस तरफ एंड उधर, क्लियर हो गया, ये तो पहले से ही दिया था। अब स्टेप नंबर 2 में किसी एक वेरिएबल को इक्वल रखो, इससे पहले जो समथे इक्वल था बट अभी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा तो हमको करना पड़ेगा। सर एक्स, एक्स यहाँ पे कितना दिख रहा है सर, 1 दिख रहा है, यहाँ पे कितना दिख रहा है सर, 3 दिख रहा है, इक्वल नहीं है। यहाँ पे वाई कितना दिख रहा है सर, 7, यहाँ पे वाई कितना दिख रहा है सर, 2, तो इक्वल किसको करें, कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। तो देखो टॉपर बच्चे जो एडवांस लेवल के बच्चे हो तो इजी है, सर मैं एक्स को भी कर सकता हूँ वाई को भी कर सकता हूँ, आंसर तो सेम आता है, क्लियर। बट मेरा सजेशन क्या है भाई, इजी मेथड आप फॉलो करो, इजी मेथड की तरफ फोकस रखो। तो सर इजी मेथड आप बताइए क्या होगा, इजी मेथड कैसे करेंगे हम, तो सिंपल है देखो, एडवांस ज्यादा हार्ड करके मतलब क्या है, आपको मार्क्स तो वही मिलेगा ना, तो मैं सिंपल सा बोलता हूँ भाई कि जहां पे देखो आप 1 है उसको इक्वल कर दो। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, 1 को इक्वल क्यों करूं, देखो इधर यहां पे क्या है 3, सर यहां पे अगर 3 आ जाए तो इक्वल हो जाए, इसका मतलब अगर 1 में मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं तो इक्वल हो जाएगा ना, 3 1 3। बट अगर y को इक्वल करने बैठूंगा मैं तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो 7 है, यहाँ पे क्या है 2 है, 2 के टेबल में 7 आता है क्या सर, नहीं आता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करना चाहो तो पॉसिबल है क्या, 2 के टेबल में भी नहीं आ रहा है, तो इसका इस केस में क्या होगा मालूम है कि 7 से मल्टीप्लाई मुझे यहाँ करना पड़ेगा, 7 2 14 एंड 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा, तो दो बार मल्टीप्लाई करोगे वो ईजी है कि एक ही बार करोगे तो वो ईजी, सर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ईजी है, तो हम लोग एक ही बार मल्टीप्लाई वाला लेते हैं ना कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझा मैंने क्या बोला, जहाँ पे 1 रहेगा वो सीधा सीधा वही टॉपिक लो, उसमें मल्टीप्लाई मार दो। सर किससे मल्टीप्लाई, जो नीचे नंबर दिख रहे हैं, मतलब सिंपल सा बोलो 1 यहाँ है, मल्टीप्लाई इसमें होगा 1 वाले में होगा, किससे होगा सर, जो नीचे रहेगा, मान लो 1 नीचे था तो ऊपर वाले से होगा, अभी और से भी सम हम लोग देखेंगे। तो पहला काम क्या है यहाँ पे सर, यहाँ पे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 3 इन द इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करे करना है बाय 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है 3 से, चलो कर दो 3 1 जा सर 3 1 जा 3 होता है, प्लस 3 7 जा सर 21 होता है, 10 3 जा सर 30 होता है, ये इक्वेशन नंबर 3, ध्यान रखना मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। और जिसमें मल्टीप्लाई नहीं किए सर, किसमें नहीं किया, इक्वेशन नंबर 2 में नहीं किया, वो सेम आप कॉपी कर लो, तो सर मैंने कॉपी कर लिया, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला
कि जिसमें मल्टीप्लाई नहीं किया आपको सेम नीचे कॉपी कर देना है। लिख दिया सर। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट स्टेप, जिस वेरिएबल को इक्वल किया है, जिस वेरिएबल को इक्वल किया है उसका साइन देखना है। बच्चे मिस्टेक करते बार बार यहाँ चले आते सर प्लस माइनस, नहीं 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 नहीं, इक्वल किसको किया सर, एक्स को किया, एक्स को किया तो एक्स का साइन प्लस 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 क्या दिख रहा है आपको, माइनस दिख रहा है, प्लस प्लस माइनस दिख रहा है, मतलब ये माइनस, सर माइनस है क्या करूं प्लस, माइनस करते टाइम साइन चेंज करना इंपॉर्टेंट चीज है, प्लस है सर क्या करूं, माइनस कर दो। तो हमने किया क्या, हमने सर किया है, हमने सर किया है इक्वेशन पूरा जगह, चलो लिख देता हूं, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इक्वेशन थर्ड को फ्रॉम इक्वेशन टू से, थर्ड को माइनस करो किससे, टू से माइनस करो, माइनस कर दो सर, ये तो कैंसिल, थ्री माइनस थ्री जीरो, कैंसिल हो गया, प्लस 21 प्लस टू कितना होता है, प्लस 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 ही होगा, 21 टू कितना हो गया सर, 23 हो गया, 30 माइनस सेवन सर कितना आएगा, 23, ईजी एकदम, y इक्वल टू 23, 23 मल्टीप्लाई ट्रांसफर कर दो तो y इक्वल टू आ गया 1, y इक्वल टू कितना आ गया 1, y की वैल्यू इक्वेशन 1, 2, 3 तीन इक्वेशन है, किस में रखूँ सर, तो मैं बोलता हूँ इजी वाले में रखूँ, इजी बोले तो सर प्लस, तो प्लस सर 3 में भी दिख रहा है, 1 में भी दिख रहा है, 2 में नहीं दिख रहा है, तो 3 में तो रखने की सोचो मत, नंबर बड़े दिख रहे हैं हमको, इजी वे में जाना है तो सर 1 में रखो सबसे बेस्ट है, जहाँ पे 1 दिखे जहाँ पे प्लस दिखे सबसे पहले उधर भाग के जाओ वहाँ पे रख दो, सबसे इजी पड़ेगा, तो रख देता हूँ। क्या रखना है सर, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन, इन द इक्वेशन 1 में पुट करने के लिए बोल रहा हूँ आपको, तो सर 1 क्या था, 1 था सर x प्लस 7y इक्वल टू 10 था, रख क्लियर, तो x प्लस 7 y की वैल्यू सर कितना 1 इक्वल टू 10, तो x, चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, 7 बन जा 7 इक्वल टू 10, 7 यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको प्लस, ट्रांसफर कर दो माइनस हो जाएगा सर, तो x इक्वल टू 10 माइनस 7, तो x की वैल्यू कितना आ गई सर, x की वैल्यू आ गई हमारी 3, x की वैल्यू 3 फाइंड आउट हो गया। तो सर आंसर चेक करना भी आपने सिखाया था, कर ले क्या, कर लो बिल्कुल कर लो, आप आंसर चेक कर लो, यहाँ पे कैसे बताया था, इक्वेशन 1, 2, 3 किसी भी इक्वेशन में एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दो, अगर उसके RHS के बराबर आया तो इक्वल है सर, RHS मतलब क्या बोल रहे हो आप, तो एक्स प्लस 7y इक्वल टू कितना दिख रहा है सर, 10, मतलब एक्स वाई की वैल्यू रखा, अगर 10 आ रहा है इसका मतलब आंसर राइट है, नहीं आ रहा है तो इसका मतलब सम गलत है, सम गलत है कि आप गलत हो, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर सम गलत, सम नहीं गलत है बेटा, आप गलत हो। तो चलिए आंसर चेक करते हैं, एक्स की वैल्यू 3, 7 इंटू वाई की वैल्यू हो गई 1, तो 7 इक्वल टू 10, तो राइट है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या, जो मैंने अभी जस्ट बोला कि सम गलत नहीं रहता, आंसर नहीं आएगा तो सर टेक्स्ट बुक में मिस्टेक दिया, नहीं मिस्टेक नहीं दिया, सम्स में ध्यान रखना है आपको कि वेरिफिकेशन करना इंपॉर्टेंट है, कि बोर्ड एग्जाम में अगर आपको आ जाता है तो ये इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट बनेगा, आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए एक और सम प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट में आपको होमवर्क ऐड करा दूंगा, होमवर्क जैसे बोलता हूँ, देखो सब सम अगर मैं करा के दे तो मैं तो करा के दूंगा ही, बट ट्राई करो ना, देखो दो कॉन्सेप्ट इजी में बता रहा हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ मेरे बच्चे कि अगर किसी को कोई भी डाउट्स आता है ना सीधा कमेंट बॉक्स में ऐड कर दो, सर ये वाले क्वेश्चन में डाउट था, मैं गारंटी देता हूँ उसका वीडियो आपको बना के रिटर्न दे दूंगा, दूसरा मेथड दूसरा तरीका यूज़ करूँगा, क्योंकि मैथ्स 10th के मैथ्स का अलग अलग मेथड, जिस मेथड में बच्चे समझ सकते हैं, जो लेवल है बच्चों का वो लेवल में मैं इजिली एक्सप्लेनेशन आपको कर सकता हूँ, कोई भी डाउट एंड कन्फ्यूजन न रहे। आज के वीडियो में एक और सम देखेंगे, इसके बाद दो एटलीस्ट दो तो ऐड करूंगा, 2 से 3 होमवर्क ऐड कर दूंगा, जो बच्चों का अगर हो जाता है वो खुद से प्रैक्टिस करके आंसर में जो भी उनका आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, क्लियर। चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आज के लास्ट एंड आपके पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 5th पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन क्या बोलता है सर, 5x - 3y इक्वल टू 8 एंड सेकेंड बोलता है 3x + y = 2। सर ये तो सेम सिमिलर उसी के जैसा है, थोड़ा सा ही चेंज है, बाकी तो सेम लग रहा है।
ठीक है, एक सम और प्रैक्टिस करा देते हो ना, बाकी होमवर्क के लिए रख रहा हूँ आपको, तो ये भी कॉन्सेप्ट आप समझ लो ताकि कॉन्सेप्ट 100% फिट हो जाए आपके माइंड में। सर आपने बोला था इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म, अब तो ये देखो देखने की जरूरत नहीं सर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है हमको, अब तो लोअर बच्चा भी बोलेगा सर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है, कैसे पता चला? सर हमने सिंपल से देखा बराबर के इस तरफ, इक्वल टू को इस तरफ, नंबर दिखा तो इक्वल हो गया। चलिए समझदार हो गए बच्चे, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीख गए। अब इम्पॉर्टेंट दूसरी चीज, किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना, तो सर हम लोग एक्स को भी कर सकते हैं, वाई को भी कर सकते हैं, बट आपने बोला था कि जहाँ पे वन रहेगा उसको इक्वल करना। अब यहाँ पे बच्चे लोग का दिमाग चल गया, समझ गए, याद रखें सर वन वन कहाँ दिख रहा है, वन वाई के पास में दिख रहा है, तो आपने बोला था जहाँ वन दिखेगा उसको इक्वल करना, वो इजी पड़ेगा। तो शाबाश बेटा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यहाँ पे लोअर बच्चे जो एकदम 100% तरीके से देख रहे हैं उनको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि सर जहाँ पे वन है आपने बोला था वहाँ पे करना, किससे मल्टीप्लाई करना, सर ऊपर वाई के साथ जो भी वेरिएबल होगा, थ्री है तो थ्री से, मतलब मल्टीप्लाई करना है सर, करना है मल्टीप्लाई बाय थ्री इन द इक्वेशन टू ऑन बोथ साइड, दोनों साइड कर देते हैं मल्टीप्लाई, कर देते हैं थ्री थ्री जा सर, थ्री थ्री जा होता है नाइन, प्लस थ्री वन जा सर, थ्री वन जा होता है थ्री, थ्री टू जा होता है सिक्स। सर इसके बाद जो आएगा इक्वेशन, आपने बोला था इक्वेशन नंबर थर्ड लिखना, उसको लिख दिया, पहले से ही एक्सपर्ट थे बंदे, और क्या बोला था इसके आगे वाले स्टेप में बोलूँ, इससे पहले कुछ लोग ने कर भी लिया होगा, क्या किया सर, बोला था आपने जो स्टेप में मल्टीप्लाई नहीं किया, जो इक्वेशन में मल्टीप्लाई नहीं किया उसके नीचे उतार दूंगा। चलिए उतार दो, 5x हो गया माइनस 3y हो गया इक्वल टू 8 हो गया, वन में मल्टीप्लाई नहीं था तो वन वाले को कॉपी कर दिया। ठीक है, अब लास्ट स्टेप सर हमको समझ में आ गया, क्या चीज़ आपने बोला था, सेम साइन होगा माइनस करेंगे, अपोजिट साइन होगा प्लस करेंगे, तो सर साइन किसका देखना है, जिसको इक्वल किया उसका साइन, इक्वल किसको किया सर, वाई को इक्वल किया, तो वाई का साइन क्या, प्लस माइनस, प्लस माइनस सर क्या होता है, प्लस ही होता है, उसमें तो कुछ करो ही मत आप, तो क्या कर दो सिंपल सा, ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन वन प्लस विथ इक्वेशन टू, विथ इक्वेशन टू, चले ऐड कर देते हैं, ऐड करोगे तो ये तो सीधा कैंसिल हो गया, क्लियर हो गया, तो 9 प्लस 5 ऐड कर दो 14x हो गया, एंड ये भी ऐड किया सर 14 ही हो गया, 14 मल्टीप्लाई है, ट्रांसफर कर दिया तो हमारा x इक्वल टू क्या आ गया सर, x इक्वल टू आ गया 1, x की वैल्यू 1, 2, 3 कहीं पे रख दो, बट आपने बोला था प्लस एंड 1 वाले में रखो तो बेस्ट है, सर प्लस 1 यहाँ दिख रहा है 2, मतलब 2 में पुट कर दूँ, पुट कर दूँ, क्या करता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1 किस में, 2 में, इन द इक्वेशन 2, चले 2 में पुट कर देते, 2 क्या है सर 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, लिख दिए 3x, x की वैल्यू क्या 1 प्लस वाई इक्वल टू 2, 3 वन जा क्या होता है सर 3 वन जा 3 प्लस वाई इक्वल टू 2, तो वाई इक्वल टू 2, 3 प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 माइनस 3, याद रखना मिस्टेक नहीं करना है, माइनस 1, माइनस प्लस करते टाइम बड़े नंबर का साइन अपने को देखना है, याद रखना माइनस 1, इसीलिए बोलता हूँ, देखो अगर मान लो मिस्टेक्स हो गई है। चलिए आंसर वेरिफिकेशन कर लेते हैं, सर बोला था आपने इजी वाले में आंसर पुट कर देते, तो मैं 2 में पुट कर देता हूँ, सर क्या करना है 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना आना चाहिए 2, एक्स वाई की वैल्यू रखने पर अगर 2 आ रहा है, एक्स वाई की वैल्यू पुट करने पर 2 आया तो आंसर राइट, आप किसी में भी पुट कर सकते, ऐसा कंपलसरी नहीं, 1 में भी कर सकते हो में भी कर सकते हो, तो 3x की वैल्यू सर x की वैल्यू है 1 प्लस y की वैल्यू सर y की वैल्यू है -1, तो 3 वन जा होता है सर 3 प्लस माइनस होता है -1, 3 में से माइनस गया तो क्या आ गया 2, 3 माइनस 1 हो गया 2, इसका मतलब आंसर राइट है। तो आई होप आपको ये दो सम्स अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, लास्ट में वीडियो के एंड में 2-3 सम आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया जाएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मैं ट्राई करूँगा, जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं उसका इस वीडियो का हेल्पफुल कंप्लीट तरीके से उनको मिलना चाहिए, आप खुद से प्रैक्टिस करके ऐड कर देना, अदरवाइज मैं हूँ अभी जिंदा, तो आपको सम सॉल्व करा के नेक्स्ट वीडियो में ऑलरेडी मिल जाएगा कंप्लीट तरीके से, मैं जैसा कि मैंने बोला है पीडीएफ में जितने भी सम है, चाहे वो क्रैमर रूल हो, चाहे ग्राफिकल मेथड हो, चाहे वो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने वाला हो, या फिर वर्ड प्रॉब्लम हो, कंप्लीट सिलेबस आपको करा के दिया जाएगा,
कोई डाउट कोई टेंशन आपको नहीं रहना चाहिए, स्पेशली मैथ्स को लेके, एसएससी मैथ्स को लेके। तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है ना तो अपने जो फ्रेंड्स रहेंगे टेंथ क्लास में, स्कूल वाले फ्रेंड्स रहेंगे, क्लास वाले फ्रेंड्स रहेंगे ना, उनको भी ये वीडियो का लिंक शेयर कर देना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना, ताकि हमें भी मीन सर को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और सर आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना के लेके आते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एंड होमवर्क सब बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो वीडियो देख रहे हैं होमवर्क जरूर करें आप लोग, एटलीस्ट आपको थोड़ा सा चेक करें कि आपका आंसर्स क्या आ जा रहा है, मतलब प्रोग्रेस हो रहा है कुछ, अदरवाइज नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।